सबसे पहले तो क्योंकि हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है वो है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनकी उनसे राय लेने के बाद जयपुर में बात की गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल स्टेट प्लेन से एक तीन डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है, जिसमें हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट और बाकी डॉक्टर भी हैं, वो टीम जो है 10:30 बजे वहाँ से रवाना, जयपुर से रवाना होकर लगभग 11:30 हमारे हॉस्पिटल में पहुँच जाएगी और बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो दिया जा रहा है और बच्चे की हालत भी में भी सुधार हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी अफवाह फैली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो इस तरह की मैं आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूँ कि ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि आपकी एक अफवाह जो है हमारे शहर में शांति ख़राब कर सकती है और इस तरह के लोग जो है जो इस समय का लाभ उठा के माहौल को ख़राब कर सकते हैं, उनसे हमें बचने की सख्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे शहर में बहुत सी जगह दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, पूरी पीसफुल है और शहर की अमन चैन और सौहार्द के लिए मुझे लग रहा है कि प्रत्येक नागरिक जोधपुर का है उसका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है और बहुत जल्दी जो है बिल्कुल नॉर्मल हालात जो है हमारे उदयपुर ज़िले में हो जाएंगे। वो विधिवत प्रक्रिया के तहत जो है मकान को जो है वो नोटिस दिया गया है, लेकिन वो अकेले उसको नहीं दिया गया और भी कई कुछ पुराने और लोगों को भी नोटिस दिया गया, तो इस तरह की कभी कोई बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी और विशेष रूप से क्योंकि आरोपियों को भी डिटेन किया गया है, वो कहाँ से हथियार लेके आया, कहाँ से चाकू लेके आया, क्योंकि अवैध हथियार जो है हमारे लिए बहुत ही सीरियस मामला है, कोई बच्चा स्कूल में के बाद इस तरह की घटना करता है, तो इसमें सभी पहलुओं पर जो है उच्च स्तर से भी बातचीत करके जो है स्टेप लिए जाए। पूछताछ में कोई बहुत बड़ा कारण नहीं आया है, आपस में कोई छोटी मोटी बात हुई है, होमवर्क को लेके दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे के परिवार के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी और जैसे ही आपकी छुट्टी हुई ब्रेक में बाहर आए तो बच्चे ने जो है वो चाकू निकाल के बिना प्रवोक किए उस पर हमला कर दिया, तो उस वजह से उसका ब्लड लॉस हो गया और वो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल रेफर किया।